सब का मेजर सेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यदि आपने किसी भी तरह से यह वीक कर लिया ना, तो आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। मिला जुला करके बात यह है, प्रोबेबिलिटी नहीं भी समझ में आया, माने समझ में तो आया होगा, क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही होगी, लॉजिक को ब्रेक करने में दिक्कत हो रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि आपसे सेट रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई बतला दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ये तो पटाक से निकाल लो यार, थोड़ा वो टाइम दोगे तो निकल जाएगा मिला जुला करके। लेकिन जो लॉजिकल प्रॉब्लम है, स्टोरी टाइप जो प्रॉब्लम्स है, उसमें हर किसी को दिक्कत होती है। आप अकेले इंसान नहीं हो या अकेले स्टूडेंट नहीं हो जिनको प्रॉब्लम होती है, हर किसी को होती है। कभी कभी आंसर देख करके लगता है कि अच्छा ऐसे होगा, ठीक है, तो ये हर किसी के साथ होता है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। लेकिन इसके बाद से चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी कहीं कहीं स्टोरी टाइप प्रॉब्लम आएगा, तो इसका लॉजिक ईजी होगा, आप उसको कैच कर लोगे। और ज्यादा ही बड़ा स्टोरी है तो हम उसको क्यों ही पढ़ेंगे, हम उसको क्यों ही वहां एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ेगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पर सब कुछ डिपेंड करेगा, यानी रैंडम वेरिएबल पर सब कुछ डिपेंड करेगा, यहां से लेकर के कहां तक, इन्फरेंस तक, या आगे आप कुछ भी पढ़ लो, स्टोकास्टिक प्रोसेस पढ़ लो, मल्टीवेरिएट पढ़ लो, क्योंकि अब यहां से चीजें क्या हो जाएगी, मैथमेटिकली पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगी। अभी मैथमेटिकली पार्शियली कनेक्टेड था ना, प्रोबेबिलिटी में उतना मैथमेटिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ से आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जिसको नाम में जिस नाम से आप जानते हो। तो रैंडम वेरिएबल की जरूरत की ऊपर ही बात यह है, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे सैंपल स्पेस है जो न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में नहीं है, तो उनको क्या किया गया कि उनको न्यूमेरिकली कनेक्ट किया गया, ताकि हम उनको इजीली ऑब्जर्व कर सके, उसकी प्रोबेबिलिटी को इजीली फाइंड आउट कर सके, या जो भी डेटा है उस डेटा को हम इजीली रीड कर सके, हम उसको इजीली, जैसे आप मान लीजिए कि जनगणना कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, तो आप मेल और फीमेल दो कॉलम बना देते हो, मेल को 0 डाल दो और फीमेल को 1 डाल दो, तो हो गया। तो आप एक बार में बता दीजिएगा कि अच्छा इतने मेल है और इतने फीमेल है, उसका परसेंटेज आप पटाक से निकाल लोगे, तो इससे क्या हो गया, चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो रैंडम वेरिएबल क्या करेगा, चीजों को आसान करेगा, ठीक है ना, डेटा को रीड करने में आसानी होगी, उसका मीन इजिली निकाल लीजिएगा, मोड इजिली निकाल लीजिएगा, इसके दम पर, किसके, रैंडम वेरिएबल का यूज करके, या इससे आगे आप जब इन्फरेंस पढ़ोगे तो वहां पर एस्टिमेट करना पड़ेगा चीजों को, तो आप कुछ और ले लो, ठीक है ना, उसको आप एस्टिमेट करो, तो आप ग्रीन कलर को एस्टिमेट करो, ऐसे आप नहीं कर सकते है ना, मुश्किल होगा, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया गया, न्यूमेरिकली कनेक्ट कर दिया गया, और वहां से हम चीजों को क्या कर लेंगे, इजिली ऑब्जर्व कर लेंगे, जो भी निकालना होगा, मीन, मीडियन, मोड, उसका प्रोबेबली आप क्या कर दो, उसको एमिली कर दो या एस्टिमेशन कर दो, जो भी आपको निकालना है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, यानी आप सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका डिस्ट्रीब्यूशन वीक हो गया, तो इन्फरेंस तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, वो तो आप भूल ही जाओ। तो इन्फ्लुएंस को समझने के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होने के लिए ये जो आज पढ़ाने वाला हूं, ये अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी चीजें कनेक्टेड है यहीं से ही कनेक्टेड है। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत कनेक्ट करूं पीछे जाकर के, आपने प्लस टू में फंक्शन पढ़ा था, ठीक है ना, देखो फंक्शन हर एक जगह आता है, भले आपको फंक्शन के बारे में उतना डीपली नॉलेज नहीं है, फिर भी आपका काम चल जाता है, ठीक है ना आपका। लेकिन वही चीजें होती है, नहीं होता है कि जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं ना, तो हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से स्लिप हो जाता है, तो ये हर किसी के साथ होता है। जैसे अभी आप यहाँ पढ़ते पढ़ते आ गए, आपको अचानक कहे कि अल्फाबेट सुनाओ, तो थोड़ा सा हो सकता है कि हम डिफिकल्टी फेस करने लगे, क्योंकि हम वहां से काफी दूर आ गए। तो जैसे फंक्शन हर एक जगह आता है,
वैसे ही रैंडम वेरिएबल हर एक जगह आएगा। ये आपके माने समझो कि आप रैंडम वेरिएबल से पीछा छूटने वाला नहीं है, यहाँ से लेकर के अंत तक जब तक आप स्टैट्स से जुड़े रहोगे तब तक ये चीजें आती रहेगी। तो जैसे वहां पर फंक्शन था मैथमेटिक्स में, वैसे ही यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है, वैसे ही यहाँ पर चीजें क्या है रैंडम वेरिएबल, यानी हम जो भी सैंपल स्पेस है चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा हो या नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, उसको हम न्यूमेरिकली कनेक्ट कर देंगे, हम उसको न्यूमेरिकली कनेक्ट कर देंगे, यानी हम एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां से हमारा सैंपल स्पेस आएगा। यही होता है ना कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या निकल के आता है सैंपल स्पेस। तो जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स है, जो सैंपल जो हमारा आउटकम्स है, उसको हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू से कनेक्ट कर देंगे। यानी हम मान लेंगे कि यदि ये आएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये मान लेंगे आप। जब टेल जैसे सपोज दैट कि टेल टेल को हमने जीरो बोल देंगे और हेड को वन बोल देंगे, टेल को जीरो और हेड को वन बोल देंगे ऐसा। तो जब भी कोई जीरो बोलेगा अच्छा टेल की बात कर रहा, जब भी कोई हेड बोलेगा अच्छा वन की बात कर रहा, या जैसे कोई जीरो बोलेगा अच्छा टेल की बात कर रहा सॉरी हेड की बात कर रहा, जैसे कोई वन बोलेगा, माने जो आप डिफाइन किए हो कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे सक्सेस के टर्म में समझाता हूं, सक्सेस को आप वन डिफाइन कर दो और फेलियर को जीरो डिफाइन कर दो। तो जैसे कोई कहेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, तब समझ जाओ अच्छा ये सक्सेस की बात कर रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो अच्छा ये फेलियर की बात कर रहा, ये फेलियर की बात कर रहा। तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए चीजें काफी आसान हो गया ना, हमारे मैंने हम सैंपल स्पेस लिखने से बच जाएंगे, सैंपल स्पेस भी हम क्या होगा लिखने से बच जाएंगे। अभी तक हम सैंपल स्पेस लिख रहे थे, मान लीजिए सैंपल स्पेस बहुत बड़ा है कैसे लिखोगे, लेकिन उसको न्यूमेरिकली कनेक्ट कर दो, उसको न्यूमेरिकली कनेक्ट करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऐसे ही रफली कि आप क्वाइन को 10 टाइम्स टॉस करो तो सैंपल स्पेस कितना बड़ा होगा, 2 to the power 10 होगा ना, 2 to the power 10 होगा, ठीक है ना, इसकी कार्डिनलिटी 2 to the power 10 होगा। अब मैं 10 टाइम्स टॉस कर रहा हूं तो ऐसे बोलो कि नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर लो, हर एक में नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर लो, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, अब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही होगा ना, एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें एक भी हेड नहीं होगा, नंबर ऑफ हेड है, नंबर ऑफ में हेड को काउंट कर रहा हूं, एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें एग्जैक्टली एक ही हेड होगा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना जिसमें क्या होगा एग्जैक्टली वन हेड होगा, एक वैसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिसमें एग्जैक्टली टू हेड होगा, वैसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिसमें एग्जैक्टली थ्री हेड होगा, वैसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिसमें एग्जैक्टली फोर हेड होगा। तो 0 to 10 लिखना ज्यादा इजी है ना इन कंपेयर टू सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट लिखने के कंपेयर में, यानी सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट लिखने के कंपेयर में कंपैरिजन में न्यूमेरिकल वैल्यू यानी न्यू सैंपल, इसको हम कहें कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड, हम क्या कर रहे हैं खुद से एक नया सैंपल स्पेस जनरेट कर रहे हैं खुद से, तो हम कह सकते हैं कि ये इंड्यूस्ड सैंपल स्पेस, ये क्या है एक इंड्यूस्ड सैंपल स्पेस, क्योंकि पहले सैंपल स्पेस हमारा ओमेगा था या एस कह लो, अब मैं एस से कहां पहुंचा दिया इसको, अब मैं इसको एस से रियल नंबर पर पहुंचा दिया। तो ये जो नया सैंपल स्पेस बना इसको हम इंड्यूस्ड, क्योंकि हमने ये क्या किया हमने इसको खुद से इंड्यूस्ड किया, इसको निकाला अपने मींस किस लिए निकाला है, चीजों को इजीली समझने के लिए, स्टैटिस्टिक्स को इजीली समझने के लिए ये हमने काम किया कि इसको रियल नंबर से कनेक्ट कर दिया। जैसे आपको मैं पहले एग्जांपल समझाता हूं, देखिए जैसे कि सैंपल स्पेस मान लीजिए सपोज दैट कुछ भी ले लीजिए, क्या जैसे S1 S2 ले लेते हैं, कोई एक ऐसा है जिसमें कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ये S10 है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 से 10 है, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा डिफाइन कर रहा हूं
एस वन जो है ना जीरो पर जा रहा है, एस टू भी जीरो पर जा रहा है, एस थ्री भी जीरो पर जा रहा है, फिर एस फोर वन पर जा रहा है, एस फाइव भी वन पर जा रहा है, एस सिक्स भी वन पर जा रहा है, एस सेवन भी वन पर जा रहा है, फिर एस एट टू पर जा रहा है, एस नाइन थ्री पर जा रहा है और एस टेन थ्री पर जा रहा है। हमने कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया कि एस वन को हम अब मीन्स एस वन जीरो पर जा रहा है, एस टू जीरो पर और एस थ्री या एक्स थ्री नहीं, एस थ्री जीरो पर जा रहा है, हमने कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं से चीजें कनेक्ट हो गई ना, इसका कुछ नाम देना होगा ना, तो मैं ऐसे नाम दे देता हूं कि एक्स कोई एक फंक्शन है, एक्स कोई एक फंक्शन है, एक्स क्या कोई एक फंक्शन है जो कैसे हो रहा है, एस से किस में जा रहा है, आर में जा रहा है, एस से आर में जा रहा है, एक्स कोई फंक्शन है जो एस से आर में जा रहा है। तो इसको आप क्या लिखोगे, इस चीज को आप क्या लिखोगे, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, एक्स ऑफ एस वन इक्वल टू जीरो, फंक्शन में पढ़े हो ना ए बी से, जैसे ए बी से कनेक्टेड होता है, तो एफ कोई फंक्शन है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू आप बी लिखते हो ना, ये याद है ना, वही चीज यहाँ, ये यहाँ कुछ नया नहीं है, यानी जो काम आप फंक्शन में करते थे डिट्टो काम आप यहाँ पर करने वाला, डिट्टो काम यहीं पर होने वाला है। तो इसी चीज को मैं एक ये डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन कर दिया, ये कहां से जा रहा है, यहां से यहां आर में जा रहा है, तो कुछ तो नाम देना होगा ना, तो मैंने एक्स दे दिया कि चलो भाई इसको एक्स के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगा ना, ऐसे थोड़े होगा कि चीजें जिगजैग होगा, ये पैटर्न को फॉलो करेगा ना, जैसे मशीन है तो हर एक मशीन क्या होता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, तो उसी तरह से जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है उसका नाम मैंने एक्स दे दिया, उस पैटर्न का नाम हमने क्या दे दिया, एक्स दे दिया। अब एक्स ऑफ एस वन जीरो है यहां पर, इसका मतलब एक्स ऑफ एस टू जीरो है यहां पर, एक्स ऑफ एस थ्री भी क्या है जीरो है यहां पर, इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, एक्स ऑफ एस फोर क्या है वन है, एक्स ऑफ एस फाइव क्या है वन है, एक्स ऑफ एस सिक्स क्या है वन है, और एक्स ऑफ एस सेवन क्या है आपका वन है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्स ऑफ एस एट क्या है, कुछ ज्यादा ही मैं लिख दिया क्या जो है, एक्स ऑफ एस नाइन क्या है थ्री है, और एक्स ऑफ एस टेन क्या है थ्री है, ये आपका ठीक है ना, यानी हमने कुछ ऐसा डिफाइन किया, ये पैटर्न को फॉलो करेगा, आपको पता चल जाएगा जब मैं और एग्जांपल दूंगा ना कनेक्ट करके, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये एक पैटर्न को फॉलो करेगा, जिगजैग नहीं होगा। तो उस पैटर्न के अंदर इसको, उस पैटर्न का नाम हमने एक्स डाल दिया, यानी उस फंक्शन का नाम हमने क्या दे दिया, एक्स दे दिया, एक्स दे दिया। तो अब देखिए, तो मुझे यहाँ पर दो तीन चीजें बतलाइए तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे ये बतलाइए, कोई आपसे पूछेगा कि एक्स इनवर्स जीरो क्या होगा, तो क्या आप बतलाइएगा, बोलिए कोई, एक्स इनवर्स जीरो क्या होगा, हाँ यहाँ पर एस वन कॉमा एस टू कॉमा एस थ्री होगा। कोई कहेगा कि एक्स इनवर्स वन क्या होगा, वन का क्या होगा, तो आप इसको बोलिएगा कि ये होगा एस फोर एस फाइव एस फाइव एस सिक्स और एस सेवन, यही ना। कोई कहेगा कि एक्स इनवर्स यानी प्री इमेज हमें लिखना है ना, हमें प्री इमेज लिखना है, इसका प्री इमेज लिखना है एक्स इनवर्स, कोई कहेगा कि टू क्या होगा, तब कहिएगा कि अच्छा एक्स इनवर्स टू क्या है एस एट है, कोई कहेगा कि एक्स इनवर्स थ्री क्या होगा, थ्री क्या होगा एक्स इनवर्स थ्री क्या होगा, तब क्या बोलिएगा एस नाइन एंड एस टेन होगा, यही आप बोलिएगा ना, यही आप बोलिएगा। अब देखिए, तो आप इस पर यदि प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, सपोज दैट
यदि मैं कहूं कि बताओ प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लीजिए कि यार इक्वली लाइकली है, ये क्या हो रहा है, इक्वली लाइकली। तो कोई कोई कहेगा कि बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस वन एस टू एस थ्री क्या होगी, कोई बताइए। थ्री बाई टेन, और इसका प्रोबेबिलिटी सिमिलरली एस फोर एस फाइव एस सिक्स एस सेवन इक्वल टू हो जाएगा 4/10। ठीक है, सिमिलरली इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एट क्या हो जाएगा, 1/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नाइन है ना, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है, लग रहा है कि पापा का फोन है, एक मिनट। हेलो, हाँ मैं भी क्लास में बाद में बात करूं, 2 घंटे के बाद कॉल करता हूँ। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना, पापा थोड़ा कॉल करने वाले हैं। हाँ तो ये तो देख रहे हो ना, अब इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, देखो इसी चीज को ना अलग वे में अब लिखेगा, ऐसे मीन्स अब इस चीज को ऐसे नहीं लिखेगा, इसको अलग तरीके से लिखेगा, इसको अलग तरीके से लिखेगा। कैसे, देखो इस चीज को मैं अब ऐसे शॉर्ट में लिख दूंगा, इसी चीज को आप ऐसे लिखिए, इसी चीज को ऐसे लिखिएगा। देखिए मैं पहले इस चीज को लिखने सिखा देता हूँ, ठीक है ना। इस चीज को मैं कहाँ सिखाऊं, चलो पहले इसको लिख लो, ठीक है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी चीज को ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी चीज को क्या लिख सकते हो, एक्स इनवर्स जीरो लिख सकते हो ना, एक्स इनवर्स जीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनवर्स वन कितना है भाई, कितना है, 4/10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनवर्स टू कितना है, 1/10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनवर्स थ्री कितना है, 2/10। इसी चीज को अब मैं ऐसे लिख दिया, इसी चीज को मैं ऐसे लिख दिया। अब इस चीज को अब मैं और दूसरे तरीके से लिखूंगा, देखो कैसे चीजें कनेक्ट हो रही है। हम बेसिक प्रोबेबिलिटी में यही पढ़े हैं ना, हम इसी की प्रोबेबिलिटी निकालने पढ़े हैं ना, इवेंट की, हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने पढ़े हैं। तो मैं आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट करा, और इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो ये सबको निकालना होता है, ठीक है ना। ये मेजर इशू नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल इक्वली लाइकली का कैसे ना, ये इवेंट्स ये क्या है, इवेंट्स है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जानते हैं। अब आइए, अभी मत लिखिएगा, यहाँ पर आइए। अब देखिए, अब मैं इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ओमेगा सच दैट एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू जीरो, देख रहे हो ना, ओमेगा सच दैट एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, और ये क्या हो गया बताइए तो, यहां से 3/10। एक मिनट, हाँ यही देखिए, इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है ना, कोई कहेगा कि बताइए क्या है, यही है ना कि ओमेगा या एस कह दो, एस कह दो, यहाँ पे एस कह दो, आप एस कह दो, एस बिलोंग टू किस में, सैंपल स्पेस में बिलोंग करेगा ना, एस कहीं से थोड़े आ जाएगा, एस बिलोंग टू कैपिटल एस सच दैट एक्स ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और ये क्या है, ऐसे कितने एस मिल रहे, 3 एस मिल रहा है ना, एस वन एस टू और एस थ्री, 3/10।
यहाँ पर कह देगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बिलोंग टू कैपिटल एस सच दैट एक्स ऑफ एस इक्वल टू क्या है 1 है, और इसमें कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट था ना, ऐसे 4 एस मिल रहा था जिसका इमेज क्या था 1 है, जिसका इमेज 1 है, जिसका इमेज 1 है, तो 4/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बिलोंग टू कैपिटल एस सच दैट एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू सॉरी कैपिटल एस ऑफ एस क्या है 2 है, और इसमें कितने एलिमेंट है ऐसे कितने एस मिल रहे 1 मिल रहा है, तो 1/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बिलोंग टू कैपिटल एस सच दैट एक्स ऑफ एस इक्वल टू क्या है 3। इसके लिए एस कितने मिल रहे थे 3 मिल रहा है ना, सॉरी 2 मिल रहा है, तो 2/10। देखो मैं इसी चीज को ऐसे लिख दिया, इसी चीज को मैं पहले मैं यहां से यहां पहुंचा, अब मैं इसी चीज को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी सेम चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, बात सेम है, यानी उसी चीज को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया काम कर रहे हैं, हम उसी चीज को अलग अलग वे से क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा है, कॉमन से यानी जो वो स्टार्टिंग में सोचा होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो पहली बार रैंडम वेरिएबल को बैठ करके डिफाइन कर रहा होगा फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट जो भी रहा होगा जिन्होंने भी रैंडम वेरिएबल को इतना प्रोसेस तक दिया फिर आगे से चीजें आगे चलती गई, तो जो भी फर्स्ट टाइम सोचेंगे किसी भी तरह से सोचना स्टार्ट किए होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट x इक्वल टू 1 पर पहुंच गए होंगे, वो एक एक स्टेप करके आगे बढ़े होंगे ना, तो मैं उस स्टेप की बात कर रहा हूँ कि वो कैसे सोचे होंगे, मैं वो सोचवाने की आपको आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि देखें अरे यार ये तो जादू हो रहा है, नहीं होता है ऐसे, हम डिफाइन कर दे रहे हैं फिर x इनवर्ट 0 प्री में देखते हैं ये तो इवेंट आ गया, फिर ये भी इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते आ रहे हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि अच्छा इस चीज को अभी ये ना लिख करके ये लिख देते हैं, इस चीज को यह ना लिख करके हम यह लिख देते हैं, फिर कहेंगे अच्छा इस चीज को हम तो ये भी तो लिख सकते हैं, बात तो सेम ही है, इसी सेम चीज को हम ये भी तो लिख सकते हैं भाई, क्या कह रहा है कि s belongs to capital S such that x of s equal to क्या है 0 है, और ऐसा इसमें कोई टर्म नहीं है जो आप नहीं जानते हो, पांचवी मान लो 10वीं क्लास के बच्चों से भी कह दो कि s1 0 पर s2 0 पर s3 0 पर जा रहा है, आप ऐसे बोल दिए, अब बतलाओ कि s इनवर्स 0 क्या होगा, x इनवर्स 0 क्या होगा, तो पटाक से बोलेगा s1 s2 s3 होगा, पहले उसको इनवर्स का मतलब बतलाना पड़ेगा कि x इनवर्स 0 क्या है, इसका प्री इमेज है, यानी 0 किससे कनेक्टेड है, तो 0 किससे कनेक्टेड है s1 s2 s3 तो लिख देगा, अब जैसे ये बतलाओगे अब आप उसको बतलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही लिख देगा, अच्छा कहां गया भाई s2 s5 x3 s7 बतलाते हैं, तो वही चीजें क्या हो रही है कनेक्ट होती हुई चल रही, अभी इसमें एक भी ऐसा टर्मोलॉजी नहीं है जो कि आप नहीं जानते, बस एक है जिसको मैं अलग से ये नाम दे दिया हूं, और ये बाकी सब आप जानते हो, इमेज आप बनाना जानते हो फंक्शन से कि इसका इमेज ये ऐसा हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, तो अब देखिए यहाँ करते हुए हम आगे पहुंच गए, अब इसी चीज को ना कहा कि यार इतना बार बार बड़ा कौन लिखेगा, नहीं होता है कौन बार बार परेशान होगा, तो काम करते इसको ना छोटा कर देते, अब इतना ना लिख करके ना मैं डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 0 लिख दूंगा, इसी चीज को मैं क्या कर दूंगा डायरेक्ट अब x इक्वल टू 0 लिख दूंगा 0, तो अब मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा x इक्वल टू 0 का मतलब ये है, x इक्वल टू 0 का मतलब ये कि s बिलोंग्स टू x, यानी वैसा s जिसका इमेज क्या है 0 है, वैसा यानी सैंपल स्पेस के वो सभी एलिमेंट्स जिसका इमेज क्या है 0 है, इसका मतलब यही है ना, यदि देखा जाए तो सैंपल स्पेस के वो सारे एलिमेंट्स जिसका इमेज क्या है 0 है, फिर इंप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू इसको 1 बोल दूंगा, कितना है भाई 4/10, सैंपल स्पेस के वो सभी एलिमेंट्स जिसका इमेज क्या है 1 है, तो इस चीज को ऐसे भी लिख देंगे, इंप्लाई
सैंपल स्पेस के वो सारे एलिमेंट जिसका इमेज क्या है टू काउंट कर लेंगे और ये हमें पता है कि अच्छा ऐसे चलेगा। तो देख लो चीजें यहां तक आ गई, चीजें क्या हो गई खींचते खींचते यहां तक, क्योंकि यार ये तो मजेदार चीज मिल गया जो स्टार्टिंग किया होगा तो कितना एक्साइटेड हुआ होगा, अरे यार ये तो मजेदार चीज मिल गया। इन सबकी प्रोबेबिलिटी आपस में ऐड करो, देखो वन आ रहा है, सबकी प्रोबेबिलिटी आपस में ऐड करो देखो वन आ रहा है। तो यही था ना कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन होती है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी वन होती है, यानी सबका यूनियन कर दीजिए एक्स इक्वल टू जीरो यूनियन एक्स इक्वल टू वन यूनियन एक्स इक्वल टू टू यूनियन एक्स इक्वल टू थ्री, और यही क्या दे देगा आपका सैंपल स्पेस दे देगा, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या है वन है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी वन है। और ये सभी क्या होंगे डिसजॉइंट होंगे, ये इसके के साथ डिसजॉइंट होगा, ये इसके साथ डिसजॉइंट होगा, ये इसके साथ, यानी ये सभी के सभी इवेंट क्या होंगे पेयर वाइज डिसजॉइंट भी होंगे। समझ में आ गया यानी स्टोरी कैसे बनी होगी, तब वो पीछे लौट के आया होगा यार अब इसका तो कुछ नामकरण करना होगा, ये तो काफी मजेदार चीज है, इसका कुछ नाम देते हैं, इसका कुछ नाम देते हैं। तो जब नाम देते हैं तो मीन्स और भी चीजें बहुत सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है ना, माने जब हम चीजें कुछ नया ढूंढते हैं ना तो हो सकता है कि हमने कुछ ढूंढा फिर खुश होकर के दूसरे पर देख हमने क्या ढूंढ लिया, ऐसा होता है ना, कहें कि अच्छा एक्सप्लेन कर आपने ये बतला ये मिसिंग है तो ये कैसे होगा, फिर वो रूम पाया फिर सोचा अच्छा ये बात है, फिर उसको क्या होगा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया होगा, ठीक है, भले एक सप्ताह लगा होगा या दो सप्ताह लगा होगा या थ्री वीक लगा होगा, हमें नहीं पता कि वो कितना वीक दिए होंगे, लेकिन ये तो है कि अच्छा खासा टाइम दिए होंगे। जब आप पीएचडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक रिसर्च पेपर तैयार करने में कभी कभी एक एक साल भी लग जाता है, ठीक है ना, और एक रिसर्च पेपर ऐसा नहीं कि 10 पेज का होता है, केवल 1 पेज का होता है, उस 1 पेज को तैयार करने में कभी कभी 1 साल भी लग जाता है, किसी किसी का 2-2 साल तक लग जाता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है, चीजें रिलेटिव होती है, माने क्लिक के ऊपर है। जैसे एक बार 1989 में एक प्रूफ आया, क्योंकि वो 100 साल से चीजें प्रूफ हो रही थी, शायद 100 या कुछ साल से प्रूफ हो रही थी कुछ सालों से, तो उसका 1989 में फर्स्ट प्रूफ आया, यानी उसके पहले भी कितने लोगों ने प्रूफ किया, लेकिन बहुत सारी गलतियां निकली और उस गलतियों को वो सुधार करके नहीं ला पाए। तो 1889 में एक बंदे ने प्रूफ किया और उसमें भी गलतियां निकली, उस गलती को उसने सुधारने में 3 साल वापस से लिया, थोड़ा सा मिस्टेक था शायद उसमें 3 साल लगा, फिर 1992 में दोबारा उस प्रूफ को लेकर के आया और उस बार 100% वो प्रूफ सही था, और उस प्रूफ का नाम है लिटिल लास्ट फॉर्मेट थ्योरम। वो ये मैथमेटिशियन थे जो ओबीएस करके चल बसे, ये ओबीएस है, उस ओबीएस चीज को प्रूफ करने में बहुत साल लग गए, ठीक है ना, और उसका प्रूफ बहुत लंबा था, बहुत लंबा प्रूफ था, तो हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगा, ठीक है। तो फिर आए होंगे तो अब हम उतना टाइम तो नहीं देंगे ना, अब हम चीजों को डायरेक्टली पढ़ेंगे, जो वो मेहनत करके निकाले हैं, अब हम चीजों को डायरेक्टली पढ़ेंगे। तो इस एक्स को हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे, इस एक्स कैपिटल एक्स को हम क्या कहेंगे रैंडम वेरिएबल कहेंगे। तो रैंडम वेरिएबल कहने के पीछे अब कुछ वो होगा ना, कुछ निकल करके आया होगा, कुछ त्रुटि निकल करके आई होगी, फिर उसको उन्होंने सॉर्ट आउट किया होगा, फिर जाकर के एक परफेक्ट डिफिनीशन निकल के आया होगा। तो मैं उस परफेक्ट डिफिनीशन की बात करूंगा, हम उस परफेक्ट डिफिनीशन की बात करेंगे। तो लेट पहले हमारे पास सैंपल स्पेस होना चाहिए, लेट एस बी एंड सैंपल स्पेस, रैंडम वेरिएबल का डिफिनीशन है ये, रैंडम पहले ये लिख लो जिसको लिखना है। यहां तो किसी को डाउट तो नहीं है ना, डाउट है तो आप पूछ लेना।
एक मैं निमसेट का कोचिंग देख रहा था इंदौर में, पता नहीं कोई इंदौर से एक नहीं है, काफी बच्चे हैं, तो उसकी फी 1,25,000 है, समझ रहे हो, 1,25,000 है उसकी फीस, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा, इतना फी नहीं होना चाहिए। और निमसेट की मात्र इंडिया में 3 to 4 ही कोचिंग है, 3 to 4 कोचिंग है कानपुर में, उसका भी फी 55,000 है, उसका भी फी 55,000 है, बहुत ज्यादा फी, और इतना छोटा सिलेबस है, माने जैन के इतना भी सिलेबस नहीं है, जैन के बराबर भी उसका सिलेबस नहीं है। और यदि एवरेज पैकेज की बात करो तो खैर थोड़ा बहुत, मैं इस एवरेज तो आई जैन के इतना ही है, एमएससी की इक्विवेलेंट ही है, और लेकिन उसका मैक्सिमम थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, मैक्सिमम थोड़ा ज्यादा है, मैक्सिमम किसी का 72 भी है लाइक, किसी का 60 लाइक भी है, जैसे एनआईटी त्रिची का, सुधांशु का जिसमें हुआ है 54 52 लाख, तो उसमें एमसीए के कई बंदों का 52 लाख का हुआ, ठीक है ना, 52 53 72 कई लोगों का हुआ, फिर भी फी ज्यादा है, उतना नहीं होना चाहिए। जैसे रिजल्ट आया मैं भी फी बढ़ा सकता हूँ, सीनियर्स ने काफी बोला, आपके सीनियर्स ने बहुत बोला कि सर प्लीज फी बढ़ा दो, फी बढ़ा दो, फी बढ़ा दो, फिर भी मैंने नहीं बढ़ाया, ठीक है ना, वो लोग काफी बोले कि सर आप फी बढ़ा सकते हो, तो हमने कोचिंग किसी और पर्पस से स्टार्ट किया था, ठीक है ना, हमारा पर्पस कुछ और था स्टार्ट करने का। तो देख लो, आप डायरेक्ट यही लिखते हो, आप लोगों को पता होगा कि आप डायरेक्ट यही बनाते हो, लेकिन यहाँ पर कैसे आए हो अब समझ में आ गया, हो सकता है कि आप पहले भी जानते हो, जिनको नहीं पता है क्या पता है यार, ये तो वही है बेवकूफ बना रहा है, बस वही चीजें है, बस इसको डायरेक्ट लिख रहा है, अब इसका क्या मीनिंग है अब पता चल गया, इसका क्या मीनिंग है, यानी ये कुछ नहीं, ये इवेंट है, ये क्या है इवेंट, ये क्या है इवेंट, आइए देखते हैं रैंडम भाई। नहीं होता है कि हम चीजें पहले ढूंढते हो, नामकरण बाद में करते हैं और उसको अच्छे से डिफाइन बाद में करते हैं, ठीक है ना, तो लेट एस बी एंड, लेट एस बी अ सैंपल, सैंपल स्पेस, स्पेस ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट। देखिए जो मैं बोल रहा था वही मैं लिखूंगा, क्या मैं बोला था कि सैंपल स्पेस को हम क्या करेंगे, रियल नंबर से कनेक्ट करेंगे, लेट एक्स बी अ सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन नहीं एक्स इज देन नहीं ना लेट देन हाँ देन एक्स इज कॉल्ड X is called a random variable, यानी इसी कैपिटल, यानी जो वो फंक्शन था अब इसका एक नामकरण कर दे, क्योंकि ये अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है ना, ये S से R में डिफाइन हो रहा है ना, S से R में, तो ये भी एक तरह का क्या है स्पेशल टाइप का फंक्शन है, तो देन X is called random variable from सैंपल स्पेस एस, फ्रॉम सैंपल सैंपल स्पेस स्पेस एस टू रियल नंबर आर, फॉर सैंपल फ्रॉम सैंपल स्पेस एस टू रियल नंबर आर, इफ 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 इफ, अब चीजें वेल डिफाइन की जाती है ना, चीजों को वेल डिफाइन किया जाता है ताकि वो किस दुनिया के किसी भी कोने में क्या हो उसको कोई गलत ना कर पाए, उसको कोई गलत ना कर पाए, तो एस
इज रियल नंबर आर इफ 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 ऐसे लिखो इफ 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 एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस इफ एस बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट एक्स ऑफ एस क्या हो जाए लेस देन इक्वल टू एक्स ये एस बिलोंग टू कैपिटल एक्स सच दैट कैपिटल एक्स ऑफ एस लेस देन इक्वल टू एक्स हो लेस देन इक्वल टू एक्स इज एन इवेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू for all x belongs to zero. ये क्या हो जाए ये एक इवेंट हो जाए ये क्या हो जाए ये एक इवेंट हो जाए ये is an event for all x belongs to real number ऐसा हो जाए ये एक इवेंट हो जाए ठीक है ना ये का इवेंट हो जाए या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि if इसी चीज को मीन्स कई तरीके से लिखता है ठीक है ना इफ 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 ये क्या है आपका सैंपल स्पेस है इफ कैपिटल एस इज और सैंपल स्पेस एंड आपका एफ इज और सिग्मा फील्ड ये क्या है सिग्मा फील्ड ऑफ एस या ओवर एस कैसे लिख सकते हो ओवर एस यानी इस सैंपल स्पेस पे हमने क्या डिफाइन कर दिया सिग्मा फील्ड डिफाइन कर दिया देन एक्स अब शॉर्ट में लिख देता हूं देन एस एस टू आर इज कॉल्ड यानी इसी चीज को हम मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ये जो मैं लाइन लिखा हूं ना ये जो लाइन लिखा हूं फ्रॉम इतना टू इतना इसको शॉर्ट में आप ऐसे मैथमेटिकली लिख सकते हो एक्स फ्रॉम सैंपल स्पेस एस टू आर इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल को शॉर्ट में मैं आर भी लिखूंगा टाइम बचाने के लिए ठीक है ना इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल इफ s belong to capital S such that x of s less than equal to x belongs to f for all x belongs to zero number यानी आप x कुछ भी चूज कर लीजिए वो किस में आना चाहिए f के अंदर आना चाहिए जो आपने f को डिफाइन किया जो आपने सिग्मा फील्ड डिफाइन किया है तो वही वो क्या कहलाएगा रैंडम वेरिएबल कहलाएगा अदरवाइज नहीं कहलाएगा तो वो क्या कर ये आपका प्लस टू लेवल का बतला दे ताकि आप इजीली कैच कर लो चीजों को क्या कर लो इजीली कैच कर लो और इस केस में क्या होगा पावर सेट हम कंसीडर कर लेंगे क्योंकि जो भी आपका सिलेबस में है ना वो पावर सेट है यानी चीजें पावर लेकिन ये गेट के लिए यदि हम देखें तो ये गेट के सिलेबस में है लेकिन जैम के सिलेबस में सिग्मा फील्ड वर्ड नहीं है सिग्मा फील्ड वर्ड है ही नहीं फिर भी मैंने लिख दिया ताकि कहीं बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो जैसे इस बार 2023 में आ गया था 2023 में डायरेक्ट एक क्वेश्चन था बतलाना था कि बतलाओ ये कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है या नहीं है तो इसी डिफिनेशन का यूज करके बतलाना था लेकिन लोग इतना आगे निकल जाता है ना पढ़ते ये हमारा स्टार्टिंग फेज होता है ना इनिशियल पॉइंट हम पढ़ते पढ़ते इतना आगे निकल जाते हैं कि जब हमसे अचानक पूछता है तो बहुत कम चांस होता है कि हम उससे चीजों को कनेक्ट कर पाए वो तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को हर रोज जीरो से कनेक्ट कर रहे हो हर रोज आप कितना भी दूर जा रहे हो अपने आप को हमेशा जीरो पर ला रहे हो आप कितना भी जा रहे हो अपने आप जीरो पर ला रहे हो तो ही एग्जामिनेशन हॉल में चीजें ऑन द टाइम क्लिक करेगा अदरवाइज क्लिक नहीं करेगा इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि चीजों को रिकॉल करो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप चीजों को रिकॉल करो तो इस पर इस डिफिनेशन पर गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन है देन एक्स इतना तो इच कॉल क्या कहलाएगा रैंडम वेरिएबल कब इफ ये होगा फॉर ऑल एक्स यानी एक भी ऐसा एक्स मिल जाए इसका मीनिंग क्या है अब इसका मीनिंग भी तो समझना है ना
इसका मीनिंग ये है कि एक भी ऐसा एक्स मिल जाए जिसके लिए यह इसमें बिलोंग नहीं करे, तो हम कहेंगे कि वो रैंडम वेरिएबल नहीं है। हम कह देंगे कि वो रैंडम वेरिएबल नहीं है, वो रैंडम वेरिएबल नहीं है। तो आगे आप जितना भी पढ़ोगे, जितना भी आप पढ़ोगे, वो पावर सेट के रिस्पेक्ट में होता है, क्योंकि पावर सेट क्या है, सबसे बड़ा सिग्मा फील्ड है। पावर सेट क्या है, सबसे बड़ा सिग्मा फील्ड है, सबसे बड़ा सिग्मा फील्ड। क्लियर है? चलो लिख, जैसे एग्जांपल कुछ ले लेते, तो वही वाला एग्जांपल लिख लो, या यहाँ पर एग्जांपल कुछ और दे देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाइए। जैसे कि यहाँ पर इसको, हाँ, जैसे एस मैंने ले लिया हेड और टेल, यानी टॉसिंग ऑफ क्वाइन वन टाइम, टॉसिंग ऑफ क्वाइन वन टाइम। जब आप क्वाइन को एक बार टॉस करोगे तो क्या मिलेगा, एस, या तो एस मिले, या तो टी मिलेगा, या फिर एच मिलेगा, यही ना, यही मिलेगा। मैं एक डिफाइन कर रहा हूं एक्स, मैं एक रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन कर रहा हूं। ये एक्स को मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, एक्स में एच टू आर एक मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, एक्स टू आर, सच डेट एक्स क्या है नंबर ऑफ सच दैट, मैं ऐसे लिख देता हूं, सच दैट एक्स ऑफ सिंगलटन टी इक्वल टू, मैं जीरो ले लेता हूं, एंड एक्स ऑफ सिंगलटन एच को मैं वन ले लेता हूं। आप कैसे भी ले सकते हो, मेरी मर्जी, हमने ऐसे डिफाइन किया। अब देखिए, हम फंक्शन में लिखते हो ना, एफ आर टू ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, लिंकर डिंकर कुछ लिख देता, उसी टाइप से ये भी है, उस टाइप से मैं इस टाइप से डिफाइन करते हैं। एक मैं और एग्जांपल देता हूं, वहां से चीजें और क्लियर होगी। जैसे टॉसिंग अ क्वाइन टू टाइम्स, जब आपने क्वाइन को टू टाइम्स टॉस किया तो क्या मिलेगा, एस इक्वल टू वही हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही मिलेगा। मैं एक फिर से, हाँ, ये चेक कर लें कि रैंडम वेरिएबल है कि नहीं, अभी चेक करो, कोई बदलाव रैंडम वेरिएबल ही है। यदि मैं मीन्स पावर सेट, देखो पावर सेट के रिस्पेक्ट में हमेशा रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है ना। यदि सिग्मा फील्ड कुछ नहीं लिखा है कि सिग्मा फील्ड क्या है, तो हमेशा क्या मानना है, पावर सेट मानना है, हमेशा पावर सेट मानना है, ठीक है ना। वो कहीं आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो ऑब्वियस है कि पावर सेट है, इसलिए आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप पूरा जैम का सिलेबस निकाल के देख लो, किसी भी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में कहीं भी सिग्मा फील्ड मेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं है। दैट मींस कि वो क्या है, पावर सेट है। या गेट के भी क्वेश्चंस में देख लो, यदि कुछ ऐसा अलग से होगा तो वो लिखेगा कि सिग्मा फील्ड बाबू ये है, वो अलग से लिखेगा, लिख देगा, ठीक है ना। तो आप उसकी चिंता मत करना। तो यदि आप फिर भी बाय डेफिनेशन चेक करो तो क्या हो जाएगा, एक्स, हाँ, इसी चीज को आप ना और क्या लिख सकते हो, इसी चीज को मैं नोट करके बाद में लिखा दूंगा, ठीक है ना, पर इसको लिख लो। तो यहां पर s belongs to capital S such that x of s less than equal to x, ये define करना है ना, ये define करना है। तो यहाँ पर थोड़ा लिखने में तो दिक्कत होगी, क्योंकि अभी समझाना पड़ेगा, स्पेस चाहिए।